लक्ष्य पाने के लिए ब्रूस ली मेथड क्या है? लक्ष्य पाने के लिए ब्रूस ली को जानते हो? याद है ब्रूस ली जो दुनिया का सबसे जबरदस्त फाइटर रहा हुआ है, उसने लक्ष्य पाने का एक जबरदस्त मेथड दिया था। अरे दुनिया में कभी कभी कितनी सिंपल और छोटी छोटी चीजें आसमान छूने के लिए आपको मौका दे देती है। क्या किया ब्रूस ली ने? एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। लक्ष्य पाने के लिए ब्रूस ली ने एक काम किया। 9 जनवरी 1970 को ब्रूस ली ने अपने खुद के नाम एक लेटर लिखा। 9 जनवरी 1970 को ब्रूस ली ने अपने खुद के नाम एक पत्र लिखा। खुद के नाम, आज तक आपने कभी खुद के नाम पत्र लिखा? किसी दूसरे ने नहीं लिखा तो आप कहां लिखोगे? अपने नाम एक लेटर लिखो, उसको पोस्ट करो, आपके पास आना चाहिए वहां से। ब्रूस ली ने लेटर लिखा, 1970 की 9 जनवरी को लिखा था। 1980 तक मैं हॉलीवुड का सबसे टॉप हीरो और सुपरस्टार बन जाऊंगा। कब लिखा? 9 जनवरी 1970। कब तक के लिए लिखा? 1980 तक मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, दुनिया मुझे जानेगी। 9 जनवरी 1970 को गली के कुत्ते भी नहीं जानते थे। 1980 के लिए लेटर लिखा, पूरे इमोशंस लिखे, लेटर को पोस्ट किया, पोस्टमैन वापस लेटर लेके आया। उस दिन बाद ब्रूस ली ने वो लेटर अपनी जिंदगी में जेब से कभी नहीं निकाला। वो जब भी जिंदगी में हाथ डालता, लेटर के हाथ लगता, और जैसे ही हाथ टच होता, इस माइंड को मैसेज जाता, ये लेटर तूने लिखा है। 1980 तेरी जिंदगी का आखिरी टाइम है जब तुझे सुपरस्टार बनना है। जब जब हाथ डालता, लेटर के हाथ टच होता। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे पल पल आपको याद आए आपके लक्ष्य? एक भी नहीं, एक भी नहीं। अरे जीवन में जिस चीज की चाहत पूरे प्राणों से करते हैं, उसका इशारा माइंड को जाना चाहिए। ब्रूस ली जब जब हाथ डाला, लेटर को छुआ, और रिजल्ट बताऊं, 1980 वाला काम 1973 में ही हो गया। जब एंटर द ड्रैगन पिक्चर आई, वो दुनिया में बापू बन गया और सुपरस्टार बन गया, क्योंकि इसको एक पल भी अपने जेब से नहीं निकाला रे। टच, माइंड को क्लिक किया, मुझे ये काम है। टच, मेरा ये पर्पज है। टच, मेरा ये पर्पज है।